ओके तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज को लेकर थोड़ा सा बैड न्यूज निकल कर सामने आ चुका और है। वो बैड न्यूज है कि भाई रोमन रेंज का रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा 13 सितंबर को। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था 13 सितंबर को डब्ल्यू वाले ने ऑफिशियल एडवर्टाइज स्मैकडाउन को पर रोमन रेंज को किया, क्योंकि 13 सितंबर का जो स्मैकडाउन होने वाला फर्स्ट स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क के ऊपर टेलीकास्ट होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई डब्ल्यू वाले ने अब उस चीज को रिमूव कर दिया, मतलब रोमन रेंज आपको 13 तारीख को देखने को शायद से नहीं मिल सकता। देखो इसके पीछे का बहुत सारा रीजन हो सकता है, मैं आपको एक दो रीजन में आपको फिलहाल बता दे रहा हूं। सबसे पहला रीजन है कि हो सकता है डब्ल्यू वाले रोमन रेंज के रिटर्न को एक बिल्कुल सरप्राइज रखना चाहते हैं। रोमन रेंज अभी करंट टाइम में सोलो सिक्वा से मार खा के गए, तो रोमन रेंज जब फिर से वापस आएंगे तो रोमन रेंज और भी ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आने वाले। इसलिए शायद से डब्ल्यू वाले हमें दिखाना ही नहीं चाहते कि कब रोमन रेंज का आखिर हमें वापसी देखने को मिलेगा। सेकंड रीजन है कि शायद से रोमन रेंज को भी मैच बैड ब्लड के अंदर करने नहीं वाले, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है। इसलिए आपको शायद से रोमन रेंज का रिटर्न आपको नेक्स्ट मंथ देखने को ही नहीं मिलेगा, आपको सीधे उसके अगला मंथ आपको नवंबर मंथ के अंदर रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा। नवंबर मंथ के अंदर बेसिकली सर्वाइवल सीरीज होने वाला है, जहां रोमन रेंज 100% कम्पीट करने वाले अपने टीम के साथ। हो सकता है कि डब्ल्यू वाले एक महीने के लिए और रोमन रेंज को होल्ड करवा दे, आपको सीधे रोमन रेंज नवंबर मंथ के अंदर देखने को। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था रोमन रेंज का रिटर्न का कोई सेंस ही नहीं बनता था एक्चुअली समर स्लैम के अंदर, क्योंकि रोमन रेंज का उस टाइम पर कोई मैच ही नहीं होने वाला। रोमन रेंज को उसके बावजूद भी बुलाया गया फैंस के लिए, दो स्मैकडाउन को पर रोमन रेंज को उसके बाद भी बुलाया। तो देखो भाई होने का कुछ भी हो सकता है, रोमन रेंज आपको सितंबर मंथ के अंदर देखने को मिल भी सकते हैं, साथ से बैड ब्लड के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है बैड ब्लड के अंदर सोलो सिक्वा का मैच किसी रेसलर के साथ हो, उस मैच के बीच में आकर रोमन रेंज यहां पर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भाई दो स्मैकडाउन या फिर तीन स्मैकडाउन और ज्यादा आपको इंतजार करना होगा रोमन रेंज का रिटर्न देखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेली के बारे में। तो भाई अगर आपको बेली का लव स्टोरी नहीं पता तो भाई बेली का लव स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। बेली बेसिकली अपने बॉयफ्रेंड से 2010 के टाइम पर मिली थी, कई साल डेटिंग करने के बाद फाइनली शादी करने का डिसाइड करते हैं। 2016 में फाइनली जाकर एंगेजमेंट करते हैं, 2021 में इनका शादी फाइनली होने वाला था पर तभी इनका ब्रेकअप हो जाता है। बस यही था लव स्टोरी भाई 5 सेकंड का, मतलब लिटरली ये दोनों 11 साल साथ में रहे। तो अमेरिका के अंदर चलता भाई, मैं आपको एक और एग्जांपल जॉन सिना का आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल ब्रायन के बारे में। तो भाई आप लोग 100 में से 99% इस बात को लेकर कंफर्म हो जाओ कि डैनियल ब्रायन AEW चैंपियन बनने वाले संडे को, इसी संडे को बनने वाले। एक्चुअली पिछला डायनामाइट शो को पर डैनियल ब्रायन के ऊपर AEW चैंपियन आकर अटैक कर दिया था, फाइनली इस बार इस शो को ऊपर डैनियल ब्रायन उसका बदला भी लेते हैं। तो अब संडे को कोई पीपीपी होने वाला जहां इनका मैच होने वाला, जहां भाई फाइनली ये बताया जा रहा है डैनियल ब्रायन चैंपियन फाइनली बनने वाले। इस चीज को एक नहीं बहुत सारे न्यूज चैनल वाले इस चीज को 100% क्लेम कर रहे हैं, साफ तरीके से दिखा रहे हैं कि चैंपियन बनने वाले डैनियल भाई। मे बी डैनियल ब्रायन संडे को एक और नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कितने सारे चैंपियनशिप डैनियल ब्रायन ने विन किए हैं। डैनियल ब्रायन भी भाई एक्चुअली रेसलिंग वर्ल्ड का एक बहुत जाना माना रेसलर है, बहुत बड़ा रेसलर। वैसे नेक्स्ट भाई आप लोग ये फोटो देखो, फादर वर्सेस फादर और वो यहां पर सन वर्सेस सन नीचे हो रहा है। तो बेसिकली एडी गेरेरो फादर तो नहीं थे डॉम के, पर हां लोग आज भी इसको ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको रिसेंट टाइम इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो अब रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। क्रिस जेरिको बोले एरिना के अंदर फैंस आकर जितना चिल्ला ले कि वो रिटायरमेंट तुम ले लो पर मैं नहीं लेने वाला। लिटरली भाई क्रिस जेरिको को देखकर मुझे बुरा लगता है भाई, लिटरली इनका पूरा शरीर झूल चुका ये है। करीब 1997 से रेसल कर रहे हैं, जो आज करंट टाइम 2025 होने वाला, मतलब अभी ये रेसल कर रहे हैं। तो पता नहीं भाई 52-53 साल के करंट टाइम हो चुके हैं, अभी कितने साल तक अभी और रेसलिंग करने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सिना के बारे में। तो भाई जॉन सिना ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वो फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट WWE कंपनी के साथ साइन कर चुके हैं। बेसिकली भाई WWE कंपनी के सबसे टॉप के जो रेसलर होते हैं उसको WWE वाले रिटायर होने के बाद भी कंपनी से जाने नहीं देते, उनको एक लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसका एक कंडीशन होता है आप WWE कंपनी अगर छोड़ भी देते हो, यहाँ पर रेसल नहीं करते, फिर भी किसी और कंपनी में आप जा नहीं सकते। दूसरा ये होता है जब भी WWE कंपनी को आपको जरूरत होगा आपको WWE कंपनी के अंदर आना होगा अपीयरेंस देने के लिए। गली भाई जैसा कि हम सबको पता था भाई इन्होंने लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, जैसा हम सबको पता ही था यार पहले से। अगर लिस्ट देखना है तो अंडरटेकर हो गए, हल्क होगन हो गए, अंडरटेकर हो गए, ये सब वो रेसलर है जो कि करंट टाइम लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जॉन सिना जैसे रेसलर को तो भाई मोटा पैसा दिया जाता है, क्योंकि भाई WWE वाले मतलब भाई इनका मर्चेंडाइज सेल करके बहुत पैसा है छापती है। मर्चेंडाइज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसा लाइफ टाइम बिकने वाला है। जॉन सिना के बारे में आपको अजीब बात बताता हूँ, जॉन सिना 46-47 के हो चुके हैं पर उसके बावजूद भी इनको बच्चा नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो भाई जॉन सिना का निकी बेला के साथ लड़ाई या फिर डिवोर्स इसीलिए हुआ था क्योंकि निकी बेला को बच्चा चाहिए और जॉन सिना भी दूसरे के साथ इंगेज है, स्टिल मतलब इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोल रहे हैं मुझे बच्चा नहीं चाहिए। एक तरफ जो रेसलर बच्चा को सबसे ज्यादा पसंद करता है, बच्चा के हीरो के तौर पर वो जाना जाता, उसको बच्चा नहीं चाहिए। भाई सबसे पसंद रोमर है, साले ने मतलब भाई 5 बच्चा पैदा कर लिया, जेकब हार्टू 7 बच्चा पैदा कर लिया, रैंडी ऑर्टन 6 बच्चा पैदा कर लिया, तो मस्त है भाई रोमन रेंज का लाइफ। अगर इसका 4 बच्चा अगर नलायक में निकल गया फिर भी 2 बच्चा तो भाई काम करेगा। तो बेसिकली रोमन रेंज को भाई कोई टेंशन ही नहीं, इतना सारा बच्चा इन्होंने पैदा कर लिया। अभी भी रोमन रेंज बूढ़े नहीं हुए, जेकब फाटू को देखकर 1-2 बच्चा और भी पैदा शायद से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉबी लेस्ली के बारे में। तो भाई बॉबी लेस्ली ने भाई अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाला वीडियो डाला, आप लोग देखो भाई कितना कमाल का वीडियो, कितना धासु बॉडी फिजिक बॉबी लेस्ली बना रहे हैं अपना। और आप लोग ऐसा मान सकते हो कि 100 में से 80% चांसेस है TNA के अंदर जा सकते हो, मतलब 20% चांसेस शायद से AEW कंपनी को ये
ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाला है तो आपको संडे को ही AEW कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि संडे के ही बहुत बड़ा पीपीवी होने वाला है AEW कंपनी के अंदर। तो देखते हैं भाई बॉबी लेस्ली का रिटर्न हमें संडे के अंदर देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं WWE चैंपियंस बेल्ट के बारे में। तो भाई WrestleMania.com वाले ने इस वाले फोटो को डाला और पूछा कि ये चैंपियंस बेल्ट जब वापस आएगा तो सबसे फास्ट चैंपियन कौन से रेसलर होने वाले। सबसे पहले यार WWE वाले तुम ये कंफर्म करो कि रोमन रेंस के पास जो WWE चैंपियंस बेल्ट था उसका तूने क्या। दूसरी चीज है कि भाई मेरे ख्याल से 4-5 साल तक ये चैंपियंस बेल्ट आपको फिर से वापस आते हुए नहीं दिखने वाला है। भाई WWE वाले भाई 3-3 टाइटल को तो भाई किसी भी हाल में WWE कंपनी के अंदर रखने नहीं वाली है। अगर वो हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट को अगर करेंट टाइम में हटा देते तो इससे भाई इस टाइटल का मतलब हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट का उसको मतलब थोड़ा सा अपमान होगा। एटलीस्ट WWE वाले फिर से मेरे ख्याल से 4-5 साल तक हैवीवेट चैंपियंस बेल्ट को रखने वाले, उसके बाद आपको ब्लैक बेल्ट आपको फिर से देखने को मिलेगा। और हाँ, उस टाइम पर जो भी टॉप का रेसलर होगा भाई वो इस चैंपियंस बेल्ट को विन करेगा। अब आज के 4-5 साल बाद कौन सा टॉप रेसलर बचेगा भाई ये तो मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई आप लोग रिया रिप्ली का ये फोटो देखो भाई, पीछे से एक बंदा 8K में यहाँ पर फोटो रिया रिप्ली का पीछे से ले रहा है। तो बेसिकली भाई आपको क्रेजी फैंस आपको पूरे दुनिया में कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बियांका ब्लेयर के बारे में। तो भाई आज का दिन था जो कि बियांका ब्लेयर के पूरे रेसलिंग कैरियर का सबसे शर्मनाक दिन। आज के 3 साल पहले बैकी लिंच समर स्लैम के अंदर फाइनली अपना रिटर्न करती हूँ, आकर सीधे बियांका ब्लेयर को चैलेंज करती है मैच के लिए। बिलीव नहीं होगा ये मैच सिर्फ 26 सेकंड चलता है। 26 सेकंड के अंदर इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर फाइनली चैंपियंस बेल्ट को हार जाती है। बियांका ब्लेयर उस टाइम पर जो चैंपियन बनी थी मतलब वो टाइटल काफी टाइम से रखी हुई थी। बियांका ब्लेयर खुद अपने इंटरव्यू के अंदर बोले मेरे रेसलिंग कैरियर का सबसे शर्मनाक दिन एक्चुअली वही था। ये चीज अगर आपको याद होगा तो भाई 2021 के समर स्लैम के अंदर ये चीज हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ भाई उस समर स्लैम के अंदर एक और चीज देखने को मिला था जो कि था ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। मैं आपको बता नहीं सकता था फैंस कितने पागल होते हैं उस टाइम पर जब उन्होंने पॉल हेमन को देखा था, ब्रॉक लेसनर उनके सामने देखा था रोमन रेंस के सामने। 2021 के समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के बीच में जॉन सीना कर मनी इन द बैंक के अंदर रोमन रेंस को चैलेंज किया। रोमन रेंस उस टाइम पर बहुत बेहतरीन तरीके से दूसरी बार अपने रेसलिंग कैरियर के अंदर जॉन सीना को उन्होंने हराया था। जैसे वो हराते हैं सामने से आते हैं ब्रॉक लेसनर आकर रोमन रेंस को साथ से F5 लगाते हैं और जॉन सीना को भाई उन्होंने मल्टीपल F5 लगाया। जॉन सीना भी सोच रहे होंगे मेरे को सबसे पहले भाई रोमन रेंस ने तोड़ा फिर ब्रॉक लेसनर मेरे को क्यों तोड़ रहा है। मैं सही बता रहा हूं भाई, मैंने जितना समर स्लैम देखा है 2021 का समर स्लैम मुझे सबसे परफेक्ट लगा। नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फ ज़िगलर के बारे में। तो भाई डॉल्फ ज़िगलर रिसेंट टाइम भाई इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोले वो चाहते हैं रैंडी ऑर्टन 15-टाइम चैंपियन बने। डॉल्फ ज़िगलर खुद से चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन जाकर डिथ्रोन करे गुंथर को बैसिन वर्लिन के अंदर। पता नहीं भाई अभी रैंडी ऑर्टन को भाई सोशल मीडिया के ऊपर इतना सपोर्ट मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। रिसेंट टाइम बहुत सारे रेसलर इनको एक्चुअली सपोर्ट किया। नेक्स्ट बात करते हैं बेली के बारे में। तो भाई बेली के बारे में भाई इस न्यूज चैनल वाले ने बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट लिखा है बेली क्यों बेस्ट है। नीचे उन्होंने क्या लिखा है, बेली का जो टाइटल रेन था वो सबसे परफेक्ट था, इनको एक और टाइटल रेन का मौका दिया। मैं सही बताऊं तो भाई मैं बेली का जो टाइटल रेन रेसलमेनिया से लेकर समर स्लैम तक का देखा हूं मैं भाई बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। 10 में से मतलब इनका टाइटल रेन को मैं 2 स्टार रेटिंग भी मैं नहीं देना चाहूंगा। पता नहीं भाई न्यूज चैनल वाले कुछ भी दिखा देते हैं, मैं पर्सनली भाई इनके टाइटल रेन को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं गुंथर के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम अंडरटेकर ने इस बात को बोला कि गुंथर जो चॉप लगाते हैं वो ज्यादा मतलब कमाल का होता है रिक फ्लेयर का मुकाबला। यार अंडरटेकर तुम कभी ग्रेट खली का नाम सुनो, ग्रेट खली से बेस्ट मतलब चॉप कोई लगा ही नहीं सकता। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 16-टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना भाई रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर एक बड़ा कंट्रोवर्सियल बयान रोमन रेंस को ऊपर दे दिया। उन्होंने रोमन रेंस के बारे में ये बोला कि करंट टाइम में रोमन रेंस सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है, पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के सेकंड पर रॉक है, रॉक से पहले रोमन रेंस। तो मैं सही बताऊं तो भाई ये अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सियल टॉपिक है कि मतलब रॉक ज्यादा ग्रेट है, रोमन रेंस ज्यादा ग्रेट है। रॉक उसी समय पर ग्रेट बन गया था जब रॉक सिर्फ 25-26 के एज में थे, उसी टाइम पर एक ग्रेट बन गया। रोमन रेंस को ग्रेट बनने में रोमन रेंस को 35 साल का होना पड़ा, मतलब रॉक तो भाई हॉलीवुड के अंदर भी चले गए। मेरे ख्याल से भाई रॉक तो एक बहुत बड़े रेसलर है, रोमन रेंस उनके आस पास भी नहीं। हाँ अगर हम लोग करेंट टाइम का बात करें तो हाँ करेंट टाइम भाई रोमन रेंस सबसे ग्रेट है, इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो भाई आप लोग ये शॉकिंग चीज देखो भाई, 2.4 मिलियन से भी ऊपर व्यूअरशिप रोमन रेंस का सेगमेंट हो गया था पिछले वीक। लोग देख सकते हैं रोमन रेंस जो पिछले वीक आए थे उनके सेगमेंट में 2.43 मिलियन व्यूअरशिप आया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं रोमन रेंस अभी करेंट टाइम के तो भाई सबसे ग्रेट है। भाई इतना नंबर कौन लाता है भाई 2.4 मिलियन से भी ऊपर। पिछले वीक का स्मैकडाउन को ओवरऑल जो व्यूअरशिप आया होगा मेरे ख्याल से 2.2 मिलियन का शायद से आया होगा। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई रिया रिप्ली का आप लोग ये फोटो देखो, आप लोग यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे बैंड रिया रिप्ली अपने हाथ में पहनी हुई है। सच में भाई मेरे ख्याल से 500 से मेरे ख्याल से भाई ये कम बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं समंथा के बारे में। तो भाई समंथा अब करेंट टाइम में रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब समंथा भाई पूरा कपड़ा पहनकर फोटो खींचा। कोई बात नहीं भाई, तालाब से एक मछली निकालने पर पूरा तालाब का मछली नहीं मर जाती, तालाब के अंदर बहुत सारे और भी मछलियां हैं और उसमें से एक मछली का नाम लाना है जिसका आप लोग फोटो देख सकते हैं स्क्रीन को। वैसे भाई आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग का मूड अच्छा हो गया हो तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना है शाम को पर आ सकते हैं।